मेरे प्यारे बहन भाई और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं टाइडोल 100 mg टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के क्या फायदे, क्या नुकसान, इस्तेमाल पूरी जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों, बड़े स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बॉडी में दर्द होना, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। या फिर दोस्तों, जोड़ों में दर्द होना, उसमें भी डॉक्टर आपको इसको देने की सलाह दे सकता है। और इस चीज के साथ साथ दोस्तों, अर्थराइटिस होना, उसमें भी डॉक्टर आपको इसको देने की सलाह दे सकता है। या फिर दोस्तों, जोड़ों में सूजन होना, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। या फिर दोस्तों, दांतों में दर्द होना, उसमें भी डॉक्टर आपको इसको देने की सलाह दे सकता है। या फिर दोस्तों, सर्जरी के बाद सूजन दर्द होना, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। या फिर दोस्तों, सर दर्द होना, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। या फिर दोस्तों, कान में दर्द होना, कमर में दर्द होना, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। या फिर दोस्तों, शरीर में चोट लगने के कारण दर्द या सूजन होना, उसमें भी यह काफी कारगर है। उसमें भी डॉक्टर आपको इसको देने की सलाह दे सकता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर वन, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरह के का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है, तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर टू, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की, पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों, हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जाँच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। तो दोस्तों, टाइडोल 100 mg टैबलेट की फुल इंफॉर्मेशन, फुल जानकारी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। चेतावनी, इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से पूछें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।